हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे इतिहास विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं आप भी रोज की तरह बहुत अच्छे होंगे। देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था कि बस मुझे घर जाना है। हालांकि किसी भाई ने लिखा है कि सर आपकी शादी है क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, घर आना जाना तो महीने में एक आध बार होना चाहिए ना। मैंने आपको शुरू में भी बताया हुआ था कि आप लोग भी, बहुत फायदे वाली चीज है ये, आप लोग भी महीने में एक बार जरूर घर जाया करें। अगर पढ़ाई सिर्फ कर रहे हैं कहीं रहते हुए तो, और अगर घर पे रहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, प्यार तो मिल ही रहा है घर वालों का। अगर कहीं बाहर हैं तो भी घर पे जाते रहना चाहिए, उससे फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि जिम्मेदारी का एहसास होता है, घर की स्थितियों को देखते हैं तो कुछ कर गुजरने की और प्रबल इच्छा होती है। घर की स्थितियों को देखने के बाद आपकी इच्छा होती है कि यार मैं कुछ जल्दी से कर जाऊं ताकि इन सारी परेशानियों को दूर कर सकूं। तो फायदे बहुत होते हैं, मनोवैज्ञानिक फायदा होता है, भावनात्मक फायदा भी होता है। तो शादी वादी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस आते जाते रहना चाहिए। तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास आपके लिए जा रही है और आगे दो तीन दिनों तक ऐसे ही रहेगा, फिर एक दो दिन शायद नहीं भी होगा। कोई परेशानी बात नहीं, मैं आ जाऊंगा जल्दी, शुक्रवार शनिवार तक मैं आ जाऊंगा। शुरू करते हैं। देखो, आपके लिए चैट बॉक्स तो होगा नहीं, तो जो भी आंसर्स आप करेंगे कमेंट्स में आप लिखते चले जाना, मैं देख लूंगा और कुछ परेशानी होगी तो फिर बात करेंगे उस पर। कुछ परेशानी होगी तो आप टाइप करते रहना, मैं उनके आंसर्स आपको वही कमेंट्स में देता रहूंगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल किस राजवंश के दौरान देखने को मिलता है? तमिल साहित्य का स्वर्ण काल किस राजवंश के दौरान देखने को मिलता है? दूसरा प्रश्न, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन से हैं? तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन से हैं? तीसरा प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? प्रथम तुर्क कौन था और किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, किस क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया हुआ था? चौथा, महमूद गजनवी ने कब से कब तक, समय बताना है, महमूद गजनवी ने कब से कब तक कुल 17 आक्रमण भारत पर किए हुए थे? मैंने आपको समय बताया हुआ है कितने से कितने के बीच, ठीक है। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने वो 26 लेकर के गलत भी किया हुआ था, याद होगा आपको। हाँ, तो महमूद गजनवी ने कब से कब तक कुल 17 आक्रमण भारत पर किए हुए थे? अगला प्रश्न, लक्ष्मी बैल आकृति वाले सिक्के किसने चलाए हुए थे? लक्ष्मी बैल आकृति वाले सिक्के किसने चलाए हुए थे? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा, इस्लाम का प्रथम सुल्तान तथा बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? इस्लाम का प्रथम सुल्तान तथा बुत शिकन किसे कहा जाता है? सातवां प्रश्न, अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है एवं इसमें किस सदी के भारत का आलोचनात्मक वर्णन किया गया है? अलबरूनी की पुस्तक और किस सदी के भारत का उल्लेख या आलोचनात्मक वर्णन है वो बताना है आपको। आठवां प्रश्न, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या है और इसने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और किस क्षेत्र में किया था? भारत पर प्रथम आक्रमण कब और किस क्षेत्र में किया था? मोहम्मद गोरी का पूरा नाम, भारत पर पहला अटैक कब और किस क्षेत्र में वो अटैक हुआ था, किसको हराया था? नौवां प्रश्न, अलबरूनी फिरदौसी उत्बी किसके दरबारी थे? अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी किसके दरबारी थे? और लास्ट प्रश्न आज के लिए, भारत में गोरी की सर्वप्रथम हार कहां हुई थी, किसने हराया था, कब हुई थी? भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार कब हुई थी, कहां हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ये कुछ प्रमुख 10 मुद्दे थे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे। उम्मीद करूंगा सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को आ रहा होगा, जिन्होंने भी पढ़ाई अच्छे से किया होगा। शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने मेडिवल शुरू कर लिया है और मोहम्मद गोरी तक की बात हम लोगों ने कर लिया हुआ था, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो अगला जो मुद्दा बनता है मध्यकाल में वो है सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत,
दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो शुरू होता है 1206 से जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, और ये जाता है कहां तक, 1526 तक। कहां तक? 1526 तक। 1206 से 1526 तक का जो समय है दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत क्यों? क्योंकि अधिकांशतः दो चार वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः दिल्ली ही राजधानी रही है इस दौरान 1206 से लेकर के 1526 तक के दौर में। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत के नाम से इस फेज को जाना जाता है। इस फेज में 1206 से 1526 वाले फेज में कुल 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। कितने? 5 राजवंश। बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से, धैर्य के साथ देखते चले जाएं। और जितना मैं कर रहा हूं मेडिवल में, जितना मैं कर रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट है, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप जितना यहां पे मैं बोर्ड पे कराऊंगा सारा का सारा अगर नोट्स पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा नोट्स है। और ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स आपके पास पहुंचा हुआ है ना, बहुत ही अच्छा नोट्स है, और किसी भी परीक्षा के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 5 राजवंश हैं, इन 5 राजवंशों में कुल 5 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले आएगा तो प्रश्न बनेगा दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हैं? 5 राजवंश हैं। कौन कौन से देखते हैं जरा। सबसे पहले गुलाम वंश या इसी को कहते हैं दास वंश, या इसी को कहते हैं आरंभिक तुर्क सुल्तान, या इसी को कहते हैं ममलूक वंश। ममलूक का मतलब क्या है? हुआ ये कि जब टाइटल हुआ गुलाम वंश तो बहुत सारे राजा हुए, लेकिन बहुत सारे राजाओं में कुछ ऐसे भी राजा रहे इस फेज में। ये जो फेज है ये है 1206 से लेकर के 1290 का, 1206 से 1290 का गुलाम वंश का ये फेज है। तो ये जो फेज था इसमें बहुत सारे राजा हुए, अभी हम देखेंगे कौन कौन से। ये जो फेज था उसमें जो भी राजा हुए सारे के सारे गुलाम नहीं थे। जैसे शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, निश्चित रूप से वो गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का। आगे महत्वपूर्ण राजा जो हुआ शासक वो था इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? मोहम्मद गोरी का। तो गुलामों का गुलाम किसे? इल्तुतमिश को। लेकिन इसके बाद जो राजा हुआ रजिया सुल्तान, वो तो किसी गुलाम नहीं थी। रजिया के बाद और भी 2-3 हुए, वो भी निश्चित रूप से गुलाम नहीं थे। आगे बलबन हुआ, बलबन कभी कभी गुलाम रहा। कहने का मतलब कुछ लोग गुलाम थे और कुछ लोग गुलाम नहीं थे। ऐसे में इतिहासकारों की मंत्रणा हुई कि ये जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल। तो आम सहमति बनी इसको कहना चाहिए ममलूक वंश, MAMLUK, ममलूक वंश डायनेस्टी, ममलूक का मतलब। ऐसे शासक या राजा जिनके बाप बाप गुलाम न रहे हों, ऐसे राजा या व्यक्ति जिनके मां बाप गुलाम नहीं रहे हों उनके लिए ममलूक शब्द का प्रयोग किया गया। अब जैसे रजिया, अब रजिया के पिताजी गुलाम तो थे लेकिन गुलामी से उनको मुक्ति मिल गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी गुलामी से मुक्ति मिल गई थी। ममलूक का सीधे सीधे मतलब है जिनके मां बाप गुलाम न हो उनके लिए ममलूक शब्द का प्रयोग किया गया है। सीधे सीधे गुलाम वंश में कुछ राजा आएंगे, जैसे मिटाते हैं जरा इसे, गुलाम वंश। गुलाम वंश का ये जो समय है 1206 से लेकर के 1290 तक का समय है। इसमें कौन कौन से राजा आते हैं वो देखते हैं जरा बारी बारी से। इसमें आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल ये आपको समझने की जरूरत है और बिल्कुल याद कर लेना आज के आज। कुतुबुद्दीन
ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नाम आएगा आराम शाह। आराम शाह, आराम शाह के बाद अगला नाम आएगा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद अगला नाम आएगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, बिल्कुल ये क्रम से मैं बता दे रहा हूं आपको, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद इसमें छोटे बड़े जो भी हैं मैं सारे लोगों के नाम बता देता हूं, आप क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद ऊपर लिखते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा बहराम शाह। बहराम शाह के बाद अगला जो नाम आएगा वो नाम आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। इसके बाद अगला नाम आएगा गयासुद्दीन बलबन। बलबन के बाद कैकुबाद, कैकुबाद। और इसके बाद कैयूमर्स, कैयूमर्स। ये कुल गुलाम वंश के राजा हैं, गुलाम वंश से संबंधित ये राजा हैं 1206 से 1290 के बीच में। फिर से रिपीट करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, बलबन, कैकुबाद और कैयूमर्स। गुलाम वंश के बाद अगला जो राजवंश आएगा वो होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो समय है वो शुरू होता है 1290 से लेकर के 1320 तक। 1290 से 1320, ये वर्ष याद रखते रहना, मैं फिर कह रहा हूं अब वर्ष याद रखते रहना। अभी तक मैंने मना किया था लेकिन अब जो मैं कहूं वर्ष याद रखने के लिए वो निश्चित रूप से याद होना चाहिए आपको। इसमें कौन कौन से राजा हुए, तो इसमें जो राजा हुए उनमें नाम आएगा जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। याद कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन टुकड़े टुकड़े में करेंगे याद हो जाएगा। खिलजी वंश के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा तुगलक वंश का। तुगलक वंश का, इसका समय कब से, 1320 से लेकर के, 1320 से लेकर के ये है 1412 तक का। कब से कब तक, 1320 से 1412। इसमें कौन कौन से राजा हुए, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के बाद जो अगला नाम आएगा वो आएगा मुहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में इसे एमबीटी, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। इसके बाद अगला नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये तीन ऊपर के महत्वपूर्ण हैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ऊपर लिखते हैं और भी राजा हुए, और भी राजा हुए लेकिन यूजलेस हैं, तीन चार राजा आएंगे थोड़े थोड़े समय के लिए, यूजलेस हैं बिल्कुल। लास्ट में जो राजा आता है कि या तो इन्होंने भी कुछ नहीं, नासिरुद्दीन महमूद, या तो कुछ भी नहीं, बस ये था कि इनके समय कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से ये हिट हो गए। जैसे आपको पता होगा करीना कपूर जी के बेटे का नाम क्या है, हाँ, तो वही इनके समय कुछ आक्रमण हो गया था, इसी वजह से ये कुछ फेमस हो गए इतिहास में, नहीं तो ऐसा कुछ काम इन्होंने भी नहीं किया हुआ था।
तुगलक वंश के बाद अगला जो नाम आएगा, मिटाते हैं इसे अब जरा, जिनको फोटो लेना हो स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा, मिटाते हैं, तुगलक वंश के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा, ये हो गया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश में इसका जो समय है ये शुरू होता है 1414 से शुरू होता है। ये जो 1412 में तुगलक वंश अंत होता है, और दो वर्ष का ये अव्यवस्था का दौर था दिल्ली सल्तनत में, अव्यवस्था का दौर था, कोई पक्का दिल्ली सल्तनत में राजा इस समय काल में देखने को नहीं मिलता है, और मौके का लाभ उठा करके ही खिज्र खान ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। तो 1414 से लेकर के 1451 का ये जो दौर है वो सैयद वंश का शासनकाल देखने को मिलता है, 1414 से 1451। सैयद वंश में जो राजा हुए उनमें है खिज्र खान। आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ खिज्र खान ही महत्वपूर्ण है, और तीन राजा होते हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूं। खिज्र खान के बाद अगला नाम आएगा मुबारक शाह का, मुबारक शाह के बाद अगला नाम आएगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये कुल चार राजा हुए, शासक हुए। आपके लिए सिर्फ ये महत्वपूर्ण है, ये भूल जाना नीचे का, कोई टेंशन नहीं है। अलाउद्दीन आलम शाह इतने बेबस, इतने कमजोर व्यक्ति कि इनके समय अफगान सैनिकों की ओर से, अफगान सैनिकों की ओर से लगातार दिल्ली सल्तनत के लिए कब्जा करने के लिए अटैक पे अटैक हो रहे थे। परेशान हो जाते हैं भाई साहब, और स्वतः ही एक अफगान को बुलाते हैं, सरदार को, जिसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था? बहलोल, बकलोल नहीं, बहलोल। बहलोल लोदी को बुलाते हैं और स्वेच्छा से सत्ता दिल्ली सल्तनत की उसको सौंप देते हैं। तो अगला जो राजवंश आया यहां पे, तो वो कौन सा था? तो वो था लास्ट में लोदी वंश। कौन सा भाई? लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश का समय क्या है? 1451 से लेकर के 1526। इसमें कौन कौन से राजा हुए? पहला नाम आएगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद अगला नाम आएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। देखने में आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आराम से, दिल्ली सल्तनत से आसान कुछ है ही नहीं इतिहास में। सिकंदर लोदी, अभी तीन चार दिन में पढ़ेंगे, आपको महसूस होगा दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा आसान, कोई टेंशन नहीं है यहां पे। देखने में ये टेंशन भरा लग रहा होगा लेकिन वास्तव में टेंशन है नहीं, तनिक भी, अभी आप देखते रहे। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद लास्ट में जो तीसरा राजा आएगा उसका नाम है इब्राहिम लोदी। सारे लोग नाम जानते होंगे इसका, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत के पहले युद्ध में किसने? बाबर ने। इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में किसने हराया? बाबर ने। और इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब कौन सा नया राजवंश आएगा? मुगल राजवंश आएगा। मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? बाबर साहब ने की। लोदी वंश भारत में पहला अफगान राजवंश था जिन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत में, पहला अफगान राजवंश। जब ये पढ़ेंगे तब देखेंगे डिटेल में। अब बारी बारी से सबके विषय में देखना शुरू करते हैं, जरा मिटाते हैं जरा ये सन, बिल्कुल अब याद रखना भाई, मैं फिर कह रहा हूं अब ये सन याद रखने की जरूरत है। चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
शुरू करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश गुलाम वंश में जो पहला नाम आएगा वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। जैसे से मैं करा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे करते चले जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो है 1206 से लेकर के 1210 तक का, 1206 से 1210। इसके विषय में जो भी प्रमुख बातें हैं वो देखते हैं जरा, और बिल्कुल एज इट इज ही आप याद कर लेंगे, हूबहू इसको ऐसे ही याद करेंगे। इसकी कुछ उपाधि देखने को मिलती है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। पहली बात, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों? लाखों का दान करना, लाखों का दान करने वाला, इसी वजह से कहा जाता है लाख बख्श। एक बात, मतलब बहुत ज्यादा उदार किस्म का। दूसरी बात, इसके लिए कुरान ख्वा शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। कुरान ख्वा, कुरान ख्वा इस वजह से क्योंकि ये कुछ विद्वान किस्म का था, कुछ विद्वान था, इस वजह से कुरान ख्वा। जबकि बहुत उदार था, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है, तो लाख बख्श। ये दो उपाधियां। अगली बात, चाहे गुलाम वंश हो चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, प्रश्न बनता है दिल्ली सल्तनत का चाहे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई साहब भी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसके संस्थापक थे, गुलाम वंश चाहे दिल्ली सल्तनत का। आगे बढ़ते हैं, इनका जो समय है 1206 से 1210 तक का, तो 1206 से 1208 का ये जो फेज था, इस फेज में अर्थात चार वर्ष के लिए राजा रहे और शुरू के दो वर्ष तक शासक या सुल्तान की पदवी के साथ इन्होंने शासन कार्य नहीं किया हुआ था। 1206 से 1208 तक मलिक, मलिक अजय देवगन नहीं, मलिक, यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है, मलिक या सिपह सालार, सिपह सालार के तौर पे ही इन्होंने शासन कार्य किया हुआ था, मलिक या सिपह सालार। 1208 में जाकर के 1208 में सुल्तान की उपाधि धारण किया इन्होंने। जब मोहम्मद गोरी के बेटे से इनको दास्ता से मुक्त कर दिया गया, तो दास्ता से मुक्त होने के बाद ही इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, अर्थात इनको दास्ता से मुक्त कब किया गया? 1208 में। आगे बढ़ते हैं, अब वो सुल्तान उपाधि धारण किया कि खेलने का शौक हो गया। जब खेलने का शौक हो गया तो 1210 का दौर आता है, और खेल क्या रहे थे? चौगान। चौगान जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोलो, घोड़े पे सवार होकर के वो स्टिक से छोटी सी बॉल को खेलना, आप जानते होंगे। चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 1210 में। आगे बढ़े, मिटाते हैं इसे, जरा मिटाते हैं, मृत्यु हुई। आगे फिर क्या हुआ? इनके कुछ दरबारी थे, जैसे एक दरबारी था हसन निजामी, हसन निजामी, और एक था फख्र ए मुदाबिर, फक्र ए मुदाबिर, ना बहुत प्यारे प्यारे से मिलेंगे आपको, आराम से धीरे धीरे याद करना, मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएगा, फक्र ए मुदाबिर। हसन निजामी ने पुस्तक लिखी,
हसन निजामी की जो पुस्तक है वो है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। पुस्तक का नाम क्या है? ताजुल मासिर। क्या है ये पुस्तक? याद रखना है, जो भी मैं बता रहा हूं पूरे मेडिवल में वो सारा का सारा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें, कोई भी तथ्य छोड़िएगा नहीं, प्रश्न यहीं से बनेगा। ताजुल मासिर किताब का नाम है, जबकि फक्र ए मुदाबिर ने जो किताब लिखी, फक्र ए मुदाबिर की जो किताब है उस किताब का नाम है आदाब उल हर्ब व आदाब उल हर्ब व सुजात, आदाब उल हर्ब व सुजात इनकी किताब का नाम है, किसके? फक्र ए मुदाबिर की। आगे बढ़ते हैं, इनके समय कुछ स्थापत्य कार्य कौन कौन से हुए? स्थापत्य कार्य किसकी बात हो रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। स्थापत्य कार्य में इनके समय जैसे, पहला, इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया, लेकिन पूरा नहीं हो सका क्योंकि भाई साहब की मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसके समय हुआ? इल्तुतमिश के समय। दो अलग अलग प्रश्न। कुतुब मीनार का निर्माण क्यों हुआ था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में अजान देने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ, पूरा नहीं हो पाया। दूसरा, अब ये कुतुब मीनार कहां पे है? महरौली। महरौली कहां पे है? दिल्ली। कुतुब मीनार वाले प्रांगण में ही, कुतुब मीनार अर्थात महरौली दिल्ली में ही कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार वाले प्रांगण में ही, कुतुब मीनार वाले प्रांगण में ही अर्थात महरौली में ही कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। तीसरा, अजमेर में, कहां पे? अजमेर में ढाई दिन का, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, कभी इन्होंने यात्रा किया होगा, एक वास्तुकला का साक्ष्य मिलता है, संभवतः अढ़ाई दिन में बन करके तैयार हुआ, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कुछ स्थापत्य कार्य थे इनके समय काल के। आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा अब तनिक भी आपको जानने की जरूरत इसमें नहीं है। इसके बाद अगला जो शासक होगा वो होगा इल्तुतमिश। मिटाते हैं इसे, इल्तुतमिश। कब से कब तक? 1211 से 1236, 1211 से 1236। थोड़ा सा इल्तुतमिश के विषय में देख लेते हैं जरा। पहली बात ये कि ऐबक का ये दास था, किंतु आपको मैंने बताया था मुहम्मद गोरी की एक लड़ाई हुई थी पंजाब में खोखरों के साथ, तो उस लड़ाई के दौरान इल्तुतमिश साहब भी थे और इनकी वीरता को देख करके ही, इनकी वीरता को मोहम्मद गोरी ने देखा और मोहम्मद गोरी ने अपने दास अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को यह आदेश दिया कि तुम अपने दास अर्थात इल्तुतमिश को अपनी दासता से, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी तुम दासता से इल्तुतमिश को मुक्त कर दो। तो खोखर युद्ध के दौरान, खोखर युद्ध में वीरता देखकर गोरी ने, गोरी के आदेश पर
दास्ता से मुक्त, दास्ता से मुक्त। एक बात, दास्ता से मुक्त हुआ तो बदायूं का गवर्नर बनाया गया इसको, बदायूं का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर मतलब सिपहसालार, और वहां पे जाकर के ये उस एरिया का देखरेख कर रहे थे, बदायूं का गवर्नर। इसी दौरान ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो ये ऐबक साहब के क्या हो गए, दामाद हो गए, ऐबक के दामाद हो गए सीधे सीधे। अगली बात, इल्तुतमिश तुर्किस्तान के शमसी वंश का था, शमसी वंश का था, तुर्किस्तान के शमसी वंश का था। आगे, हुआ ये कि जब 1210 में, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो अमीर लोग थे, तुर्की अमीर, ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद अमीरों ने, अब अमीर क्या है, अमीरों ने, अमीर, अमीर का मतलब क्या है, अमीर का मतलब है प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए उच्च अधिकारी वर्ग, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए, ठीक वैसे ही जैसे चोलों में हमने देखा पेरुंदनम, वैसे ही उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी थे तुर्की मूल के ही थे, सारे लोग समय के साथ उधर से आए थे आक्रमणकारी के तौर पे, गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश, ये सारे और अन्य भी बहुत सारे लोग। तो जब हम मेडिवल पढ़ रहे हैं तो यहां पे दो बात जानना जरूरी है अलग से, वो क्या, एक शब्द आएगा अमीर, अमीर वर्ग क्या था, अमीर वर्ग अर्थात तुर्की अधिकारी, तुर्की, तुर्की मूल के जो इन लोग के साथ लोग आए हुए थे उच्च पदों पर आसीन थे तुर्की अधिकारी, और एक आएगा उलेमा। उलेमा का मतलब क्या है, इस्लाम धर्म की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार, मतलब बाबा जी लोग, इस्लाम धर्म के जो बाबा जी लोग हैं तो वो उलेमा कहे जाते हैं, कुरान की या इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक व्याख्या करने वाले लोग, उलेमा। आगे बढ़ते हैं, ऐबक की जब मृत्यु हुई तो अमीरों ने, ऐबक का एक बेटा था, ऐबक के पुत्र, ऐबक के पुत्र आराम शाह को, आराम शाह को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान घोषित किया। लेकिन समस्या क्या आई, इल्तुतमिश अब चूंकि दामाद था तो बहुत बढ़िया से समझ रहा था कि आराम शाह में वो दम नहीं है कि हमने जो, चाहे इल्तुतमिश ने, चाहे ऐबक ने, चाहे गोरी ने, चाहे जो भी लोग थे, जितनी मेहनत से इन लोगों ने पूरा का पूरा उत्तर भारत कब्जा किया, क्षेत्र जीता, कितनी मुश्किल से वो सारा का सारा किया कराया, इन जैसे अगर कमजोर शासक बैठ गए दिल्ली सल्तनत या गद्दी पर दिल्ली के, तो निश्चित रूप से दिल्ली सल्तनत या हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ऐसे में, ऐसे में आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसी जरा, ऐसे में 1211 में जूद की लड़ाई, जूद की लड़ाई में, लड़ाई में इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया, आराम शाह को हराया। अब राजा कौन हो गया, इल्तुतमिश हो गया सीधे सीधे, सुल्तान कौन हो गया, इल्तुतमिश हो गया। एक बात और मैं थोड़ा सा भूल गया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक वाले में
कुतुबुद्दीन ऐबक वाले में एक बात और जोड़ लेना कि इसके समय जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत की ऐबक इसमें जो राजधानी थी वो कहां पे थी, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो कहां पे थी, लाहौर में, कहां पे, लाहौर में। एक लाइन और जोड़ लेना, मैं भूल गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां पे थी, लाहौर में थी। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सुल्तान हो गया इल्तुतमिश। अब बारी बारी से देखते हैं जरा इल्तुतमिश के विषय में। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के विषय में जो पहली बात है वो ये महत्वपूर्ण कि दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक तो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐबक साहब को संस्थापक जबकि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक की उपाधि मिली हुई है दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का। ऐबक के पास समय बहुत कम था, ऐबक सिर्फ 4 वर्ष के लिए जितना वो कर सकते थे, क्योंकि समय नहीं था तो वो कर नहीं पाए, लेकिन इनके पास पर्याप्त समय, तकरीबन 25 वर्ष का समय था एज अ रूलर, शासक के तौर पे। तो इन्होंने वास्तव में दिल्ली सल्तनत की जड़ें बिल्कुल गहरी जमा दिया था, इस वजह से इन्हें वास्तविक संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कुछ काम किया, जैसे सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की, इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया, तो इक्ता प्रथा का दिल्ली सल्तनत में आरंभ किया इल्तुतमिश ने। अब इक्ता क्या था, इक्ता का मतलब यह समझ लें, यह है दिल्ली, इतने बड़े क्षेत्र पे दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक है उसका शासन, जगह जगह भूखंड, जगह जगह के भूखंड, भूमि के छोटे बड़े टुकड़े सरदारों को सौंप दिया कि जाइए यहां पे लगान व्यवस्था भी देखिए और यहां पे प्रशासनिक कार्यभार भी संभालिए। मतलब इसको सीधे सीधे कह लें, प्रांत नहीं कहेंगे लेकिन आप उसको प्रांत में ही समझ लीजिए कि प्रांतों में छोटे छोटे सब टुकड़ों में बांट दिया, प्रांत नहीं कहेंगे, अभी प्रांतों की शुरुआत नहीं हो रही यहां पे। इक्ता का मतलब होता है भूखंड, भूखंड का मतलब कि अपने सरदारों को, विश्वसनीय व्यक्तियों को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही छोटे छोटे, छोटे बड़े जितनों जो भी आकर रहे हो, अलग अलग भूखंड सौंप दिया कि आप वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था संभालिए उन क्षेत्रों का, वहां से जो भी लगान वसूल करना है वो वसूल करिए और अपने जो भी खर्चे हैं प्रशासनिक चाहे व्यक्तिगत खर्चे करिए और जो कुछ अगर बच जाए तो उसे हमारे पास दिल्ली भेज दीजिए। बात समझे, इक्ता भूखंड यहां पे अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया इल्तुतमिश ने, क्यों, यहां का प्रशासनिक कार्यभार संभालने के लिए, यहां से जो भी टैक्सेशन होता है वो वसूल करने के लिए, जो भी कुछ मान लो 10 रुपया आया साल भर में, 10 रुपए राजस्व या लगान के रूप में वसूल हुआ। अब जितने भी सैनिक रखे हैं, जितने भी अधिकारी उस इक्तादार ने रखा हुआ है इक्ता क्षेत्र में, तो उन सबों का खर्चा हुआ 8 रुपए, 10 रुपए आया था, 8 रुपए कुल खर्च हो गया, चाहे व्यक्तिगत चाहे प्रशासनिक खर्च को मिला करके 2 रुपए बचा, 2 रुपए भेज दिया कहां पे, दिल्ली भेज दिया, किसके पास, सुल्तान के पास। और ये जो 2 रुपए भेजा इसको कहा जाता है फवाजिल, क्या कहा जाता है, फवाजिल। ये एक दो क्लास के बाद ये सारे शब्द आपको मिलते चले जाएंगे, फवाजिल। ये जो इक्ता से 10 रुपए लगान के रूप में वसूला गया, सारे खर्चे काट दिए गए, 8 रुपए का खर्चा था, 8 रुपए निकाल दिया गया, बचा 2 रुपया, 2 रुपए दिल्ली भेजना है, ये जो दिल्ली भेजना है उसको कहा जाता है फवाजिल। 2-3 क्लास के बाद ये आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं, इक्ता व्यवस्था का आरंभ,
इसके अलावा इन्होंने चालीसा दल का गठन किया, चालीसा दल। चालीसा दल का मतलब इसको कहा जाता है तुर्क ए चहलगानी। क्या कहा जाता है? तुर्क ए चहलगानी। ये तुर्की अमीरों का एक ग्रुप था, तुर्की अमीरों का ग्रुप था। कितने तुर्की अमीरों का? 40 तुर्की अमीरों का एक ग्रुप था और राजा के इर्द गिर्द ही रहा करता था, सुल्तान के साथ ही रहा करता था, सुल्तान की सुरक्षा से संबंधित चालीसा दल, जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने ही दो नए सिक्के चलाए, दो नए सिक्के। कौन कौन से? एक था टंका और एक था जीतल। टंका और जीतल। ये जो टंका था वो चांदी का था और जो जीतल था वो था तांबे का। टंका और जीतल दो नए सिक्के चलाए, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ही, इल्तुतमिश साहब ने ही जो सिक्के चलाए, तो सिक्कों पर लेख भी लिखवाए। सिक्कों पर लेख किस भाषा में लिखवाए? अरबी भाषा में लेख लिखवाए। सिक्कों पर अरबी भाषा में लेख लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश के समय ही आरंभ हुई थी। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? न्याय की जंजीर स्थापित कराई। न्याय की जंजीर का मतलब, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो जंजीर बजा करके राजा से सुरक्षा की गुहार लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे, जरा मिटाते हैं। 1221 में क्या हुआ? 1221 में मंगोल नेता चंगेज खां, मंगोल नेता चंगेज खां, चंगेज खां सिंधु नदी तक आ पहुंचा था, सिंधु नदी तक आया किंतु आक्रमण नहीं किया। ध्यान में रखेंगे, आक्रमण नहीं किया। मंगोलों के आक्रमण अभी दिल्ली सल्तनत पे नहीं हो रहे हैं। अब ये पेपर में क्या प्रश्न पूछा हुआ है? पेपर में प्रश्न ये पूछा हुआ है कि किस शासक के समय चंगेज खान सिंधु नदी तक आया हुआ था। तो 1221 की बात है, चंगेज खान सिंधु नदी तक पहुंचा हुआ था लेकिन दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर में थी लेकिन दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की राजधानी इल्तुतमिश ने लाहौर से ट्रांसफर करके कहां कर दिया था? दिल्ली में। अभी हम देखते हैं इसे। अब ये जो सिंधु नदी तक आया था, आने का कारण क्या था? ईरानी राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए, हुआ ये। जलालुद्दीन मंगबरनी ईरान से भारत आता है, दिल्ली आता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है कि चंगेज खान मेरा पीछा कर रहा है, मेरी हत्या कर देगा, मेरी मदद करिए। इल्तुतमिश जानता था इस बात को कि दिल्ली सल्तनत अभी नया नया एस्टेब्लिश हुआ है और अगर हम किसी मजबूत पार्टी से अभी शुरुआती दौर में ही लड़ाई झगड़ा की नौबत मोल ले लेंगे तो दिल्ली सल्तनत के लिए नुकसानदेह होगा। तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो कि ईरानी राजकुमार था, उसको मदद करने से इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया और कहा कि आप दिल्ली छोड़कर के तुरंत चले जाइए। मंगबरनी यहां से वापस निकल जाता है और यही रीजन था कि चंगेज खान ने दिल्ली सल्तनत पे या दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया।
आगे बढ़ते हैं। 1229 में खलीफा, खलीफा का मतलब क्या है बताते हैं अभी। खलीफा से सनद हासिल किया, सनद हासिल किया, सनद क्यों हासिल किया? खलीफा का मतलब यह है कि इस्लाम धर्म का पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, इस्लाम धर्म का जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म गुरु है वो खलीफा कहलाता है। और कोई भी अब शासक, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला कोई भी शासक अपने शासन की वैधता की पुष्टि करने के लिए इनसे सर्टिफिकेट मांगता था। जब ये सर्टिफिकेट अर्थात सर्टिफिकेट जारी करते थे, सनद देते थे, मान्यता प्रदान करते थे, तब निश्चित रूप से वो वैध शासक माना जाता था। इस्लाम धर्म में ऐसी बात देखने को मिलती है मध्यकाल में। 1229 में खलीफा से सनद हासिल किया। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में वैसे दो तीन शब्दावलियां फेमस हैं, जैसे एक है कुरान। तो कुरान में क्या है मैं थोड़ा सा यहीं पे बता दूं, कुरान में क्या है? कुरान में अल्लाह की शिक्षा है, अल्लाह की शिक्षा बताई गई है। हदीस, हदीस में क्या है? जो अल्लाह के दूत थे, अल्लाह के जो दूत हैं, पैगंबर, पैगंबर साहब, वो हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब जिनको पैगंबर कहा जाता है, पैगंबर, इनकी शिक्षा है। हदीस में हजरत मोहम्मद अर्थात पैगंबर की शिक्षा दी गई है, कुरान में अल्लाह की शिक्षा है। इसके अलावा एक और है शरीयत। शरीयत का मतलब क्या है? शरीयत में क्या है? इस्लामी कानून, नियम कानून किस किताब में देखने को मिलता है? शरीयत शरा में देखने को मिलता है। पैगंबर का मतलब क्या है? पैगंबर का मतलब है पृथ्वी पर अल्लाह का दूत, पृथ्वी पर अल्लाह का दूत, अल्लाह का दूत जो है उसे पैगंबर कहा जाता है, जैसे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद ने अपना प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि जिसे यहां पे घोषित किया, उसका नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। तो पहले जो खलीफा थे अर्थात पैगंबर साहब के, अल्लाह के दूत के जो पृथ्वी पर प्रतिनिधि हुए उनको खलीफा कहा गया। और पहले खलीफा हजरत मोहम्मद साहब नहीं थे, वो तो पैगंबर थे, उनका जो प्रतिनिधि हुआ वो खलीफा कहा गया। पहला खलीफा था अबू बकर, अबू बकर पहला खलीफा था। ये आप शब्दावली आपकी परीक्षा पॉइंट से महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। कुरान क्या है, हदीस क्या है, पैगंबर क्या है और शरीयत क्या है। खलीफा, खलीफा का मतलब है प्रतिनिधि, किसका? पैगंबर साहब का प्रतिनिधि, पहला खलीफा अबू बकर। आगे बढ़ते हैं। 1229 में खलीफा से सनद हासिल किया किसने? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसे जरा। 1236 में इनका जो अंतिम अभियान था, इनका अंतिम अभियान किस क्षेत्र के खिलाफ था? बामियान, अफगानिस्तान की ओर पड़ता है, बामियान के विरुद्ध, बामियान के विरुद्ध। कुछ अलग से फैक्ट देखते हैं। 1236 में इनकी मृत्यु ही हो जाती है, 1236 में मृत्यु। 1236 के पहले ही एक बार इन्होंने ग्वालियर का अभियान किया था, ग्वालियर अभियान, ग्वालियर क्षेत्र का अभियान किया था, ग्वालियर को जीता था। ग्वालियर अभियान के बाद ही इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसका मतलब क्या है?
अब जितने भी बेटे बेटियां रहे हों इल्तुतमिश के, इल्तुतमिश ये समझ गया था कि जितने भी बेटे उन्होंने पैदा किए हैं सबके सम है नालायक, और जितनी योग्यता मेरे अंदर थी उतनी योग्यता मेरे बेटों में नहीं दिखाई देती है, बल्कि एक बेटी में दिखाई देती है जिसका नाम है रजिया। तो यही कारण था कि आगे दिल्ली सल्तनत सुचारू रूप से दीर्घ काल तक चलता रहे, इस वजह से दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, जबकि इल्तुतमिश को यह एहसास था कि इस्लाम धर्म में समस्याएं महिलाओं को लेकर के बहुत हैं, और एक महिला को शासक बनाना अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। तो इसकी इल्तुतमिश की निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये उदारता और महानता है कि पुरुषों के बीच में महिलाओं को शासक बनाने की बात कर रहा है, अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को घोषित कर दिया, ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि समस्याएं आती हैं बाद में, देखते हैं। इसके एक दरबारी थे जिनका नाम है मिन्हाज उस सिराज। इसके दरबारी थे। इनकी पुस्तक का जो नाम है, पुस्तक जो है वो है तबकात ए नासिरी। मैं फिर कह रहा हूं, आज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं और मेडिवल में जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, सारा का सारा चीज महत्वपूर्ण है, और यहां से पेपर में ही प्रश्न आएगा, पेपर में यहीं से प्रश्न आएगा। आप अगर चाहे तो सीधे यहीं से तैयार कर लें, और चाहे तो पीडीएफ भी पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात और मैं बताऊं कि आप यहीं से सारा कुछ पढ़ने की कोशिश किया करिए, और पीडीएफ में, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पता मुझे, आप ना अपने फोन में ही पीडीएफ एक बार सरसनिगाह से आप ये तैयार करिए, और पीडीएफ को ऐसे अपने फोन में थोड़ा सा बड़ा करके आप अपने फोन में ही एक बार पढ़ लिया करिए। ठीक है, आप एक बार पढ़ लिया करिए, अगर कुछ महत्वपूर्ण एकाद चीज दिखाई देती है तो आप अपने इस नोट्स में ही तुरंत उसको जोड़ लीजिए, ताकि ये फोन का चक्कर ही खत्म हो जाए, ये पीडीएफ का चक्कर ही खत्म हो जाए, यही आप जोड़ लिया करिए अपने नोटबुक में, अगर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण चीज दिखाई देता है तो, नहीं तो आप बस एक बार उसको पढ़ लिया करिए, और सारी महत्वपूर्ण बातें मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं। आगे बढ़ते हैं, दो तीन मिनट और। मिन्हाज सिराज बहुत ही पॉपुलर विद्वान थे अपने समय काल के, किसके दरबारी थे, इल्तुतमिश के। इन्होंने किताब लिखी थी तबकाते नासिरी। आगे बढ़ते हैं, इसके समय कुछ स्थापत्य कार्य देखने को मिलते हैं, स्थापत्य कार्य इल्तुतमिश के समय, जैसे कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया, तो कुतुब मीनार पूरा हुआ इनके समय काल में, कुतुब मीनार पूरा हुआ। एक बात, कुतुब मीनार कहां पे है, महरौली वाले क्षेत्र में, महरौली कहां पे है, दिल्ली वाले क्षेत्र में। कुतुब मीनार वाले प्रांगण में ही मदरसा एक खोला था इन्होंने, शिक्षा व्यवस्था के लिए मदरसा ए मुइज्जी कहा गया, कहा गया मदरसा ए मुइज्जी। अगली बात, इन्होंने एक तालाब बनाया था, हौज का मतलब होता है तालाब, हौज का मतलब तालाब, हौज ए शमसी तालाब कहां पे बनाया था, ये बदायूं में, जब गवर्नर थे बदायूं के तब। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में गंधक की बावली, बावली का मतलब क्या होता है, बावली का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। अब इसको ऐसे समझ लें, जैसे वो पीके फिल्म आई थी ना, तो जब वो थाने में एक रात के लिए बंद होते हैं दोनों, जब जाता है तो कहां जाता है, वो सीढ़ीदार वो कुआं है, वो वही है, गंदा की बावली वही है, वहीं पे जाता है, वहीं पे वो आराम फरमाता है। या एक दूसरी फिल्म में सुल्तान में, वो जो कंधे पर रख करके ऐसे जब वो सीढ़ी चढ़ता है, तो वो गंधक की बावली का ही सीन है, रे सुल्तान जो गाना बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो गंधक की बावली कहां पे है, ये दिल्ली में। इसके बाद
इन्होंने एक मकबरा बना था इनके समय, जिसे कहा जाता है सुल्तान गढ़ी का मकबरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ये कुछ इनके समय महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य हुए थे इल्तुतमिश के समय। कौन कौन से? पहला, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। कुतुब मीनार है महरौली में, कुतुब मीनार वाले प्रांगण में ही, महरौली में ही मदरसा ए मुज्जी, हौज ए शमसी, हौज, हौज का मतलब तालाब, हौज ए शमसी कहां पे? बदायूं में। गंधक की बावली दिल्ली में, बावली का मतलब क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं। मकबरा एक बना हुआ था सुल्तान गढ़ी का मकबरा। यहां पे जाकर के बात कंप्लीट होती है और इल्तुतमिश तक की जो भी महत्वपूर्ण बात थी वो हमने देख लिया। इल्तुतमिश के समय राजधानी एक नोट कर लेंगे, इन्होंने लाहौर से ट्रांसफर होकर के दिल्ली आ गई राजधानी, तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां पे हो गई? दिल्ली में। बात जाकर के कंप्लीट होती है, इससे ज्यादा तनिक भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बात कंप्लीट। अगली क्लास में फिर हम इल्तुतमिश के आगे देखेंगे, फिलहाल आप इतना याद करेंगे। और अच्छा लग रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी, तो निश्चित रूप से उत्साह वर्धन करते रहिए ताकि मैं घर पे बैठे बैठे भी उत्साहित होता रहूं, प्रोत्साहित होता रहूं। मिलते हैं, धन्यवाद।